कौन सी रास्ते पे आ गए मुझे खुद को नहीं पता। हम लोग पता नहीं इस गार्डन मतलब ये जो पार्क है जू वाला पार्क है इसके अंदर फिलहाल हम लोग 4-5 किलोमीटर तो घूम चुके हैं और सब लोग जहाँ से घूम रहे हैं हम लोग वहाँ बैठे हुए हम लोग सोच रहे हैं उधर से निकलेंगे। मेरी वीडियो पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बटन। सो आज का व्लॉग मतलब अनप्लान टाइप शूट हो रहा है बिकॉज ये व्लॉग के बारे में मुझे खुद को भी नहीं पता था कैसे क्या सीन रहने वाला है। सो अभी मैं फिलहाल इस स्टेशन पे हूँ, इस स्टेशन का भिलवाड़ा है जो मेरी डिस्ट्रिक्ट का स्टेशन है और मुझे जाना है उदयपुर शूट के लिए, तो देखता हूँ वहाँ कैसा क्या सीन रहता है। तो मैं अभी फिलहाल ऐसे ही हूँ, ज़्यादा कुछ सीधा जब वहाँ पे रूम लेंगे और उसके बाद जब मैं फ्रेश हो जाऊँगा एकदम अच्छी तरीके से फिर मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। सो तब तक के लिए वेट करो। जैसा कि मैं तुम लोगों को मेरी लास्ट वाली क्लिप में मैं तुम लोगों को मेरी सिटी के स्टेशन पर मिला था वनडे में। फिलहाल उदयपुर के अंदर हूँ एंड उदयपुर के सिटी पैलेस के म्यूजियम के अंदर हूँ फिलहाल अभी। तो तुम लोगों को मैं अंदर की साइज से नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है, बिल्कुल वॉइस नहीं आने वाला, तो ये चीज़ तुम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ के मैं ज़्यादा शॉर्ट्स भी नहीं ले पाऊँगा बिल्कुल, बहुत ज़्यादा क्राउड है इस जगह पर और प्लस बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आने वाली। सो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, अंदर आगे मिलता हूँ। पूरा म्यूजियम घूम चुका हूँ और लगभग मेरा इतना कुछ खास एक्सपीरियंस था नहीं यहाँ पे आने के बाद क्योंकि फर्स्ट टाइम तो इतना कुछ मुझे पता भी नहीं था। फिर भी अगर तुम लोग आना चाहो तो आ सकते हो, काफ़ी अच्छी व्यू है यहाँ पर, तुम लोग देख सकते हो। बहुत मतलब लगभग 30-40% यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं और इंडियंस भी आते हैं, तो अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो, बट इतना कुछ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था नहीं। और एंड उस तरफ एग्जिट है तो उस तरह की तब गाड़ी लेके फिर हमको निकलना पड़ेगा और काफ़ी सारी प्लेसेस पे भी जाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सो चलते हैं। तो रूड अभी मैं फिलहाल आया हुआ हूँ इस जगह पे और इस जगह का नाम है अभय घाट और यहाँ पे भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि बिकॉज यहाँ पे एक पुल टाइप है वो मतलब ऐसे लचकता जैसा है, तो वहाँ पर लेकर हम लोग वहाँ उसके पास में समुद्र टाइप है कुछ ऐसा, तो फिलहाल वहाँ का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इधर का। तो अभी हमको जाना है जो उदयपुर के अंदर है अंडर दी सन एक्वेरियम, सोच के अंदर चलते हैं। मैंने सुना है काफ़ी लोगों से काफ़ी अमेजिंग एक्वेरियम, तो मैं फर्स्ट टाइम आऊँगा, तो देखते हैं वहाँ पे क्या कैसा ये रहता है। तो अभी मैं फिलहाल ड्राई घाट पर हूँ, तो चलते हैं। फिलहाल मैं आ चुका हूँ एक्वेरियम पे एंड तुम लोगों को इस जगह पे दिख रहा होगा और इसके जस्ट पीछे फतेह सागर है, तो यहाँ का भी काफ़ी बॉम व्यू आने वाला है। तो अभी चलते हैं अंदर और टिकट भी करवाना है, तो टिकट का कैसा क्या रहता है मैं तुम लोगों को आगे चल के बताता हूँ। सो और मेरे हेयर सब कुछ ज़्यादा ही रफ टाइप हो रहे हैं, सो अभी चलते हैं। फिलहाल तुम लोग ये चीज़ दिख रही होगी टिकट का ऑनलाइन है। सो ये चीज़ हम लोगों को दिख रही होगी यहाँ पे, ये टिकट का सीन है। तो यहाँ पे एक पर्सन के 150 रुपीज़ हैं, तो हम दो हैं तो 300 रुपीज़ लगने वाले और स्टूडेंट के कोई मतलब वो नहीं है कि फ्री, तो पैसे देता हूँ इनको। तो डूड अभी मैं फिलहाल आ चुका हूँ एक्वेरियम के अंदर, जैसा कि तुम लोगों को दिख रहा होगा, तुम लोग इस तरफ दिखाता हूँ मछली को, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है करा के।
इस तरफ मतलब ज़्यादातर मेरे को मछलियाँ दिख रही हो, फिर भी काफ़ी अमेजिंग लग रहा है मेरे को मछलियाँ, और बाकी डक भी दिखी थी। आगे चलता हूँ देखता हूँ कैसे लोग उस तरफ सारी, तुम लोग उस तरफ सारी दिख रही हो इतने बड़े बड़े, और अभी ऐसे छोटा सा नहीं, अभी बहुत आगे जाना है, तो अभी आगे भी चलते हैं और आगे भी देखते हैं कैसा क्या रहता है, तो तुमसे थोड़ा आगे मिलता हूँ फिर मैं। तो काफ़ी अमेजिंग चीज़ दिखती है और ये तो बिल्कुल अच्छी मिली होगी एक्वेरियम, और इसके अंदर जाने का ही रास्ता कौन से भी दिखता होगा, तो इसके अंदर से चलते हैं और देखते हैं तुम लोगों को दिखाते हो कैसा रहेगा। ये तुम लोगों को अंदर क्या दिख रहा होगा, और अभी मैं इस जगह पे खड़ा हूँ और बाहर से दिखाऊंगा बाहर से कैसा दिखेगा। जैसा कि तुम लोगों को दिख रहा होगा मैं एक्वेरियम के अंदर ही हूँ, एंड पीछे का भी व्यू दिखाता हूँ। यह चीज़ तुम लोगों को दिख रही होगी उस तरफ, वो चीज़ तुम लोगों को पीछे दिख रहा होगा, वो गैर चल रहा था ऐसे कुछ होता है। एंड फिलहाल काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ हैं अंदर की तरफ, ये देखो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत व्यू आ रहा है यहाँ से। तो फिलहाल इस तरफ भी दिख रहा होगा जगह पर काफ़ी सारी फिशेज हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वो चीज़ तुम लोगों को दिख रही होगी वहाँ पर रिलैक्सेबल महसूस है। फिलहाल अब आगे की तरफ और चलते हैं हम लोग। सो फिलहाल एक्वेरियम हम लोग घूम चुके हैं, वो काफ़ी अच्छा लगा घूम के, एंड हम लोगों को ये चीज़ दिख रही होगी काफ़ी अच्छा था ये जगह, तो एक बार वो अंदर चलता हूँ और बताता हूँ मैं तुम लोगों को। सो हाँ ये वाला सही था, वो उस वाले के अंदर क्या मेरा हेड यहाँ पर टच हो रहा था थोड़ा, ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इसमें आके। तो बाहर से दिखाता हूँ कम्प्लीटली, अब बाहर चलते हैं और अभी बहुत जगह घूमनी है तो वो जगह की और बताता हूँ। सो ये वाला था ना वो एक्वेरियम का था जिसका नाम है अंडर द सन। सो फिलहाल यहाँ का एक्सप्लोरिंग हो चुका है एंड अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी कम क्राउड नहीं है, दूर बहुत ज़्यादा क्राउड है इस जगह पर भी, तो बाहर ही तरफ चलते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, तो मैं तुम लोग बता दूँ ये उदयपुर के अंदर फतेह सागर लेक है, उसके थोड़ा सा आगे है, उधर आके अंडर दी सन एक्वेरियम नाम है, तो तुम लोग आ सकते हो, ओवर दी ग्लोब पॉइंट ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो सो अभी बाहर की तरफ चलते हैं, तुम लोग को अब दिख रहा होगा अच्छे से, तो बाहर मिलता हूँ। फिलहाल अंदर का कम्प्लीट हो चुका है सारा कुछ, तो अब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, तुम लोग की सीढ़ियाँ दिख रही होगी। सो यहाँ से अंदर की जा रहे हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इधर आके, मतलब पानी था और काफ़ी ज़्यादा फिशेज थी सब कुछ थी, एंड अब उस तरफ लेक है, एंड तुम लोग अगर आना चाहोगे तो उदयपुर के अंदर इस जगह का, सो इसका नाम है अंडर द सन एक्वेरियम, तो तुम लोग यहाँ पे आ सकते हो। ये फतेह सागर लेक है, उसके थोड़ा सा आना है ओवर द फ्लो पॉइंट के इधर, तो तुमको अंडर द सन एक्वेरियम के नाम से मिल जाएगा, एंड तुम किसी से पूछोगे तो तुम वहाँ तक बता देगा, सो तुम आ सकते हो इस जगह पर। तो बाकी का देखता आगे क्या सीन रहता है मेरा। फिलहाल हम लोग उस जगह से निकल चुके हैं, अभी आगे की तरफ जो जाना है, तो उस जगह पे जाने वाला उस प्लेस का नाम तुम लोगों को अभी बता देता हूँ। उस प्लेस का नाम है सज्जनगढ़, और वो बायोलॉजिकल पार्क है जिसके अंदर हम जाने वाले, वो बायोलॉजिकल पार्क है, तो एंड वहाँ पे चल के देखते हैं वहाँ का कैसा क्या सीन रहता है। तो यहाँ का मेरा काफ़ी अच्छा और बॉम एक्सपीरियंस था, काफ़ी सेक्सी आ रहा था अंदर का लुक, तो बायोलॉजिकल पार्क देखते हैं कैसा क्या रहता है वहाँ का। सो ड्यूड मैं फिलहाल आ चुका हूँ बायोलॉजिकल पार्क में, तो तुम लोगों को ये दिख रहा होगा, आगे की तरफ चलता हूँ, एंड तुम लोगों को इस जगह पे ये लिखा हुआ दिख रहा होगा इस जगह पे। सो हम लोग बायोलॉजिकल पार्क में हैं, एंड जो भी होता है आगे का कैसा क्या सीन रहता है तो मैं तुम लोग को वहाँ पर आगे चलिए बताता हूँ। और आगे अभी कुछ आए थे तो हम लोगों से पता लगा कि काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, लगभग पूरे एनिमल्स हैं, तो देखते हैं चलते हैं कैसा क्या सीन रहता है।
तो तब तक तुम वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो लॉन्ग होती है तो तुम लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं भी आया हूँ इतनी दूर वीडियो शूट करने, तो तुम लोग भी कर सकते हो। सो फिलहाल चलते हैं। फिलहाल इतना कुछ फाइंड करने के बाद मीन्स हम वहाँ से लगभग 400-500 मीटर अंदर की तरफ आए, फिर जाके तो एक एनिमल मिला, लाइक ऑस्ट्रिच जो होता है ना, वो चीज़ वो तुम लोग को दिख रही होगी। सो इतना कुछ फाइंड करने के बाद वहाँ से बहुत आगे आने के बाद ये दिखा है, एंड बंदर भी, बट उसको क्या पैक मतलब पैक कर रखा है, सो इस वजह से तो, और आगे चलते हैं वहाँ पे तुम लोग वो दिख रहा होगा, वो दो एनिमल्स और बैठे हुए। सो अभी फिलहाल आगे की तरफ चलते हैं, और आगे भी काफ़ी सारे एनिमल्स हैं तो उनको भी एक्सप्लोर करते हैं, और वहाँ का भी कैसा क्या सीन रहता है तुमको बताता हूँ। तो चलो आगे। तो डूडू उस जगह से हम लोग आ रहे थे, तो उस जगह से ना उधर जाना था, तो उसके अंदर सब जा रहे थे, बट भैया ने बोला अगर तुमको जाना हो तो उधर से घूम के इस तरफ से आना, लेकिन हम क्या यूँ नहीं करते हैं, तो जहाँ से सब लोग आ रहे हैं उस तरफ से हम लोग जा रहे हैं, तो ऐसा सीन है। तो इस जगह तुम लोग दिख रहा होगा बीयर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से 240 मीटर में दूर चलता हूँ तो मेरे को, तो 240 में तुमको यहाँ पे बीयर मिलेगी और वो भालू भी मिलेगा। सो आगे चलते हैं, तो हम क्या उल्टा चलते हैं, तो उधर से आएंगे और हम लोग जाएंगे, तो थोड़ा यूनिक लगेगा। सो फिलहाल आगे चलते हैं और देखते हैं ये रियलिटी है, लिखा हुआ है यहाँ पे बंदर मिलते हैं नहीं मिलते, मैं तुमको सारी चीज़ें बताऊँगा। सो बोल, तो तुम लोगों को दिख रहा है, सो तुम लोगों को दिख रहा होगा इस जगह पे हिरन है, तो काफ़ी सारे हिरन से, तो फिलहाल तुम लोग यहाँ पे दिख रहा होगा इसलिए यहाँ पे इस जगह से। सो ये तो फिलहाल इस जगह पे 4-5 हिरन से, तो मतलब काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे हिरन तो भालू तो नहीं दिखा, पर हिरन मिल चुका है 240 मीटर पे। चल का है, उस जगह पे तुम लोगों को दिख रहे होंगे जिसके 12 सिंह होते हैं ना, सो वो उस जगह पे हैं। मतलब रियलिटी में ये जो हमको बात आप पीछे चली थी कि मतलब आने वाले काफ़ी सारे एनिमल्स, सो वो चीज़ रियल है, तो हम वो अभी तक फिलहाल काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स दिख चुके हैं, तो अभी आगे चलते हैं और आगे देखते हैं लोयन चीताज दिखते हैं नहीं दिखते हैं। अगर तुम लोग व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं आगे। ये क्या है? काफ़ी अमेजिंग वाली चीज़ दिखाता है, ये लोग ये तुमको दिख रहा होगा पीछे की तरफ, कहाँ गया, ये दिख रहा होगा सबसे बड़ा 12 सिंह वाला एनिमल है जो मैंने अभी तक देखा, वहाँ पे फिलहाल इतने इतने से मतलब इतने इतने से थे, और इस जगह पे जो है ना सबसे लार्ज अभी तक मैंने यही देखा है, उससे पहले मैंने अभी तक यहाँ तो जू के अंदर आया हुआ हूँ फिलहाल कोई नहीं देखा, सबसे मेन यही था। तो आगे चलते हैं, लोयन का भी लिखा हुआ था बट एक है जो काफ़ी अंदर सो रहा है, तो वो तुम लोगों को दिखेगा नहीं, अगर एकदम क्लीन दिखता है तो फिर मैं बताता हूँ तुम लोगों को। एंड फिलहाल अभी हम कैसी जगहों पे चल रहे हैं तुम लोगों को दिख रहा होगा, मतलब बिल्कुल पूरा ट्रैकिंग टाइप हो रहा है यहाँ पे, ऐसा है कि मतलब, और शूज़ भी इस बार के मेरे थोड़े से अजीब हैं, जो मतलब अंगूठे होते हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो बिल्कुल परेशानी हो चले वो। तो फिलहाल अभी लाइक एक ट्रैकिंग टाइप ही है ये, और फिलहाल आगे चलते मेरे को दिखा एक लोयन दिखा रहा, तुम लोगों को बताता हूँ काफ़ी मतलब दिखाता हूँ मैं तुमको आगे चलिए, तो तुम लोगों को दिख रहा होगा लोयन है, जूम करके मैं दिखाता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। उस जगह भी तुम लोगों को दिख रहा होगा लोयन है, एंड फिर आगे की तरफ चलते हैं, आगे कैसे कैसे रहता है, ये लोयन क्लियर व्यू दिख रहा होगा तुम लोगों को बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल सही थी कि हाँ लोयन है, मतलब सारे एनिमल्स है लगभग इस जगह पे, अगर तुम लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो उदयपुर के अंदर बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ के अंदर, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, सो इस जगह पे भी तुम लोग आ सकते हो फिलहाल, एंड हम लोग से आ सकते हैं। अब आगे तरफ चलते हैं, और एक सबसे मेन वाली प्लेस वो जो रह चुकी है बाहुबली हिल्स, बहुत अमेजिंग और बहुत सेक्सी लुक आता है उस जगह पे जाने के बाद, सो चलते हैं।
फिलहाल अभी काफ़ी देर तक घूमने के बाद अभी मैं हम लोग पता नहीं कौन सी रास्ते पे आ गए, मुझे खुद को नहीं पता। हम लोग पता नहीं इस गार्डन मतलब ये जो पार्क है जू वाला पार्क है इसके अंदर फिलहाल हम लोग 4-5 किलोमीटर तो घूम चुके हैं और सब लोग जहाँ से घूम रहे हैं हम लोग वहाँ बैठे हुए, हम लोग सोच रहे हैं उधर से निकलेंगे बट फिलहाल उसका रास्ता उधर से है तो लगभग 5 to 10 minutes तक हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं इस ब्लॉग को क्या ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरी ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, तो फिलहाल अगला वाला जो शूट होगा वो मैं तुमको इस वाले ब्लॉग के बाद डालूंगा अगले वाले वीडियो के अंदर, तो उस ब्लॉग का मैं तुमको बता दूँ कैसा क्या सीन रहेगा। उस ब्लॉग के अंदर बाहुबली हिल्स के ऊपर जाने वाला हूँ, काफ़ी सेक्सी सा व्यू आता है और सज्जनगढ़ का जो हिल्स है ना ऊपर उस पर चलेंगे। तो फिलहाल अभी हम मतलब ऐसे थोड़ा पागलों की तरह बैठे हुए हैं तो अब सीधा निकलते हैं ब्लॉग को और ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।